सबको वॉइस वीडियो स्क्रीन क्लियर है? यस और नो? यस सर। ओके, यहाँ पे हम थर्ड मेथड देखने जा रहे हैं। मेथड का नाम है ग्राफिकल मेथड। ये मेथड बहुत ही आसान मेथड है और आपको बोर्ड में इस क्वेश्चन के बेस के ऊपर आपको एमसीक्यूज देखने को मिलेंगे, ठीक है? ग्राफिकल मेथड के बेस पे आपको एमसीक्यूज देखने को मिलते हैं, तो मेथड थोड़ा इजी है समझने में और आपको तुरंत याद भी रह जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जो हमने अभी तक जो डिस्कस किया था वो कौन कौन सी मेथड थी? सबसे पहले मैं डिस्कस किया था एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड और उसके बाद एलिमिनेशन मेथड एलिमिनेशन मेथड उसके बाद हमने डिस्कस किया सब्स्टिट्यूशन, और अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं ग्राफिकल ग्राफिकल मेथड, ठीक है? लेक्चर खत्म हो जाने के बाद आपको यही का यही जो पूरा सेशन है यूट्यूब पे मिल जाएगा आपको, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर कुछ नहीं समझ में आता है तो आप वापस लेक्चर खत्म होने के बाद लिंक मिल जाएगी यूट्यूब के ऊपर, तो आप वहाँ से एक बार फिर से रिवाइज और रिविज़न कर सकते हो। ग्राफिकल मेथड देखने जाएंगे अभी हम। तो ग्राफिकल मेथड मैं आपको बता दूँ, ग्राफिकल मेथड देखो, हमने क्लास 9 के अंदर है ना इक्वेशन के हमने ग्राफ बनाए थे, ठीक है? बट वहाँ पे आपको एक ही ग्राफ बनाने के लिए बोला गया था और एक ही आपके पास इक्वेशन थी। यहाँ पे आपके पास दो इक्वेशन रहेगी, मतलब आपको एक ग्राफ पेपर के ऊपर दो लीनियर ग्राफ बनाने पड़ेंगे। कैसे? आपको थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा बट बहुत ईजी है। मैं आपको बारी बारी से सारी चीज़ें समझाऊंगा तो आपको ये थोड़ा और भी ईजी लग जाएगा। अब इसमें तीन बातें आपको ध्यान रखनी है। तीन तरीके से ग्राफ बनता है। पहला ग्राफ कैसे बनेगा कि एक ग्राफ के ऊपर ही दूसरा ग्राफ बनेगा, एक ग्राफ के ऊपर ही दूसरा ग्राफ बनेगा। फिर दूसरा कंडीशन ये है कि एक ग्राफ इस तरीके से होगा और दूसरा ग्राफ है उसको एक पॉइंट के ऊपर कट करके चलेगा, इंटरसेक्टिंग लाइन वाला ग्राफ। और लास्ट में कंडीशन है उसमें एक ग्राफ इस तरीके से चलेगा और दूसरा जो ग्राफ रहेगा, दूसरी इक्वेशन का जो ग्राफ रहेगा वो उसको बिना इंटरसेक्ट किए चलेगा, मतलब पैरेलल चलेगा, ठीक है? ये होगा पैरेलल। इसको बोलेंगे इंटरसेक्टिंग और इसको बोलेंगे कंसिस्टेंट और कोइंसिडेंट, ठीक है? अब ये ग्राफ बनते कैसे हैं और आपको ग्राफ जब भी आपके पास कोई क्वेश्चन आएगा तो उसमें वो ग्राफ इस तरीके से या मतलब कोई भी ग्राफ कैसे बन जाएगा आपको मतलब तुरंत समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन देखते ही आप पता कर लोगे कि इसमें कौन सा ग्राफ बनेगा, कंसिस्टेंस बनेगा, इंटरसेक्टिंग बनेगा या पैरेलल ग्राफ बनेगा, वो आप क्वेश्चन देख के ही तुरंत समझ जाओगे, पहचान जाओगे। तो उसके लिए कुछ रूल्स आपको मैं सिखा देता हूँ कि कैसे आपको पता करना है कि किस तरीके से ग्राफ बनेगा। जैसे देखो मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे हमने जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल स्टार्ट किया था, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल जब स्टार्ट किया था तो हमने इसके फॉर्मेट पढ़े थे। फॉर्मेट क्या थे? a1x प्लस b1x इज इक्वल टू c और a2x यहाँ पे y है प्लस
बी टू वाई इज इक्वल टू सी वन और यहाँ पे सी टू, ठीक है। अब ये क्या थे, इनके स्टैंडर्ड फॉर्मेट थे, मतलब सारे क्वेश्चन इस फॉर्मेट में आने चाहिए, ये इनके स्टैंडर्ड फॉर्मेट थे, सारे क्वेश्चन आपको इस फॉर्मेट में आने चाहिए। जैसे मैं एग्जांपल दूँ आपको कि मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिख रहा हूँ 2x + 3y = 9 और यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं 4y + 3y = 10, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये क्या हो गया आपका a1 हो गया, ये क्या हो गया b1 हो गया, ये क्या हो गया c1 हो गया, ये टू हो गया a2, ये b2 और ये c2। तो आपको इसके हिसाब से कभी कभी MCQ में पूछ लेते हैं कि कोई क्वेश्चन में a2 की वैल्यू कितनी होगी, b2 की वैल्यू कितनी होगी, c1 की वैल्यू कितनी होगी, तो आपको यहाँ से पहचान जाना है। जैसे यहाँ पे मैं लिखूँ 3y + 2x = 9 और 3x + 2y = 12, तो पहले तो देखो इसको अरेंज करना पड़ेगा, ये फॉर्मेट में नहीं है, आगे पीछे हो गया थोड़ा सा, देखो तो हम क्या करेंगे इसको अरेंज करेंगे, पहले x वाला लिख दिया, फिर y वाला लिख दिया और फिर 9, वापस x वाला लिख दिया नंबर हमने, फिर y वाला लिख दिया और फिर 12 लिख दिया, ठीक है। अब देखो आप इजीली दे सकते हो, यहाँ पे ये a1 हो जाएगा, ये b1 हो जाएगा और ये c1 हो जाएगा, यहाँ पे ये a2 हो गया, b2 हो गया और ये c2 हो गया, ठीक है। आपको पूछे कि भाई ये a2 की वैल्यू कितनी होगी, a2 की वैल्यू कितनी होगी, तो आप देखो a2 कहाँ पे है, इस तरीके से a2 यहाँ पे, मतलब ये रहा आपका a2 का वैल्यू, a2 आप तुरंत बता दोगे इक्वल टू क्या हो जाएगा 3, तो ये आपको पता होना चाहिए, ये फॉर्मेट था इसका, ठीक है। और हम क्या करेंगे, इसी फॉर्मेट को हम ग्राफिकल मेथड में यूज करेंगे, इसी फॉर्मेट को हम ग्राफिकल मेथड में यूज करेंगे, कैसे, इजी है बहुत। आगे हम एक मैं नया पेज ले लेता हूँ, उसमें मैं आपको बता देता हूँ। अब ग्राफ मैंने बताया आपको, ग्राफिकल मेथड अब स्टार्ट कर रहे हैं, ध्यान से देखना, ग्राफिकल मेथड स्टार्ट कर रहे हैं। मैंने आपको बताया कि तीन तरह के ग्राफ होते हैं, ठीक है। उसमें सबसे पहले क्या था, या इसको बोलते हैं ऑन टू ग्राफ, ऑन टू। ये ग्राफ कैसे दिख रहा था, इस तरीके से था, एक ग्राफ के ऊपर दूसरा ग्राफ आ रहा था, फिर दूसरी हमने कंडीशन देखी थी कौन सी, इंटरसेक्टिंग, इंटरसेक्टिंग, उसमें एक ग्राफ है और दूसरे ग्राफ को किसी एक पॉइंट पे टच करके, कट करके या इंटरसेक्ट करके जा रहा था, और थर्ड कंडीशन है ये आपका कोइंसिडेंट, इंटरसेक्टिंग, और थर्ड था आपका पैरेलल, पैरेलल, उसमें एक ग्राफ दूसरे ग्राफ को पैरेलल चलेगा, ठीक है। अब इसमें क्या होना चाहिए, कब ऐसा ग्राफ बनेगा, आप मैं आपको एक जो एक मेथड बता देता हूँ, यहाँ पे ग्राफिकल मेथड क्या कहती है कि आप क्या करोगे, क्वेश्चन देख के तुरंत पहचान जाओगे कि इसमें ऐसा ग्राफ बनेगा, ठीक है। तो क्या होना चाहिए जब ये कोइंसिडेंट ग्राफ बने, तो आपका जो A1 है और A2 का रेशो वो B1 और B2 का रेशो और C1 और C2 के रेशो के बराबर होना चाहिए। जब ऐसा होगा, बताऊंगा अभी मैं आपको क्वेश्चन करके दिखाऊंगा तो समझ में आ जाएगा, जब ऐसी कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो आपका ये ग्राफ बनेगा, क्वेश्चन करेंगे तो और भी समझ में आ जाएगा अच्छी तरीके से। अब कैसा, किस तरीके से कंडीशन बनेगी, तो ये इंटरसेक्टिंग वाला ग्राफ बनेगा, तो उसमें देखना आप, आपका जो A1 है और A2 का रेशियो अगर
B1 और B2 के रेशियो से मैच नहीं करेगा, मतलब ये इक्वल टू नहीं होगा, तो आपका ऐसा ग्राफ बनेगा। तो आपका ग्राफ इस तरीके से बनेगा। और थर्ड कंडीशन ये है कि आपका जो A1 और A2 का रेशियो B1 और B2 के रेशियो, ये दोनों तो आपस में इक्वल होंगे, बट जो थर्ड वाला केस होगा C1 by C2, इससे वो क्या करेगा, मैच नहीं करेगा, इक्वल टू नहीं होगा, तो ये आपका पैरेलल ग्राफ बनेगा। ठीक है, अब कैसे ये करना है मैं आपको बता दूं एक बार। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे, मैं आपको थोड़ा सा क्वेश्चन लेके बता रहा हूँ। जैसे लिख दिया मैंने 2x + 3y = 6, और यहाँ पे लिख दिया मैंने 4x + 6y = 12। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, अरेंज कर लेते हैं ताकि हमें A1, A2, B2 सब मिल जाए। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, 6 को इस साइड लेके जाऊँगा और 12 को भी इस साइड लेके जाऊँगा, तो ये हो जाएगा 2x + 3y - 6 = 0 हो गया, और यहाँ पे 4x + 6y - 12 = 0 हो गया। ठीक है, अब देखो यहाँ से मुझे सारी वैल्यू मिल जाएगी। मुझे A1 कितना मिलेगा, A1 हो जाएगा, ये वाला A1 हो जाएगा, ये 2 हो गया। B1 कितना मिलेगा, 3, और C1 कितना हो गया, 6 हो गया, -6, सॉरी -6, और A2 कितना हो जाएगा, A2 हो जाएगा 4, B2 हो जाएगा 6, और C2 हो जाएगा -12। अब इनका रेशो देख लेते हैं, A1 by A2 करके देख लेते हैं कितना आता है। आप देख सकते हो 2 by 4 करेंगे हम तो 1 by 2 आ जाएगा। चलो ये A1 A2 आ गया हमारे पास, B1 by B2, B1 by B2 कितना, B1 कितना है 3 और B2 कितना है 6, तो ये हो गया 1 by 2। और फिर C1 by C2 कर लेते हैं, ये हो गया -6 by -12। अभी आप देख सकते हो यहाँ पे 1 by 2 आंसर आया, यहाँ पे देखो 1 by 2 आंसर आया A1 by A2 का। B1 by B2 का कितना आंसर आया, 1 by 2 आंसर आया, और ये माइनस माइनस कट हो जाएगा, और C2 का कितना हो गया 12, तो यहाँ पे भी कितना आंसर आया, 1 by 2 आया। मतलब आप देख सकते हो कि देखो A1 by A2, यहाँ पे आप देख सकते हो A1 by A2 है वो B1 by B2 के बराबर है, और B1 by B2 है वो C1 by C2 के बराबर है। क्या ऐसी कोई कंडीशन थी जिसमें तीनों वैल्यू सेम आ रही हो? देखो A1 by A2 1 by 2 आया, B1 by B2 1 by 2 आया, और C1 by C2 भी क्या आया, 1 by 2 आया। मतलब ये जो ग्राफ है, अगर मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करूंगा यहाँ पे तो इस तरीके से आएगा, और इस इक्वेशन का भी मैं ग्राफ ड्रॉ करूंगा तो वो भी क्या करेगा, बिल्कुल इसी लाइन के ऊपर ही उसका ही ग्राफ बनेगा, क्योंकि हमने देखा था कि जब ऐसी कंडीशन बनेगी तो कौन सा ग्राफ बनता है, कोइंसिडेंट ऑन टू ग्राफ बनेगा इसके अंदर। ऑन टू मतलब एक ग्राफ के ऊपर दूसरा ग्राफ आ जाएगा। कंडीशन दिखा दूं मैं आपको, देखो हमने पहले डिस्कस किया था, देखो ये रहा, ठीक है, ये वाली कंडीशन बनेगी, ऑन टू ग्राफ बनेगा। जब A1 A2 B1 B2 और C1 C2 आपस में तीनों इक्वल होंगे तो कैसा ग्राफ बनेगा, ऑन टू ग्राफ बनेगा। तो वैसे आप क्या करोगे, अगर ये तीनों कंडीशन आपको याद हो जाती है तो आप क्वेश्चन देख के पता कर लोगे कि हाँ इसमें तो ऐसा ग्राफ बनेगा। जब आप सॉल्व करोगे तो आपको वेरिफिकेशन भी मिल जाएगा। एक और क्वेश्चन लेके बता रहा हूँ मैं आपको, एक और क्वेश्चन ले लेता हूँ मैं।
माइक बंद कर दो, रिकॉर्डेड पूरा वीडियो है। 3x plus 2y is equal to 10 और 4x plus 3y is equal to 20। पहले मैं इनको अरेंज कर लेता हूँ। 3x plus 2y minus 10 is equal to 0 और यहाँ पे 4x प्लस 3y माइनस 20 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हम अभी क्या करेंगे, a1 a2 सब निकाल लेंगे, a1 a2 b1 b2 c1 और c2। a1 कितना आया हमारे पास, देखो ये रहा a1, a1 3 है, a2 4, b1 2, b2 3, c1 माइनस 10 और c2 माइनस 20। अभी इनको रेशियो फाइंड कर लेते हैं हम। a1 बाय a2, b1 बाय b2, c1 बाय c2 कितना आएगा, a1 बाय a2 3 बाय 4 कुछ कट नहीं होगा, b1 बाई b2 2 बाई 3 कुछ कट नहीं होगा, c1 बाई c2 माइनस 10 बाई माइनस 20 ये कट होकर 1 बाई 2 हो जाएगा रिड्यूस होकर। तो यहाँ पे देख सकते हो कि जो a1 बाई a2 है वो b1 बाई b2 के बराबर नहीं है। यहाँ पे देख सकते हो आप a1 बाई a2 है वो b1 बाई b2 के बराबर नहीं है। ऐसी कोई कंडीशन थी, हाँ ऐसी एक कंडीशन थी हमारे पास, मैं आपको फिर से एक बार बता दूँ जो डिस्कस किया था हमने पेज, ये रहा देखो आप सेकंड वाली कंडीशन जहाँ पे a1 by a2 b1 by b2 के बराबर नहीं होता था, तो हमें कैसा ग्राफ मिलेगा, इंटरसेक्टिंग ग्राफ मिलेगा, इंटरसेक्टिंग ग्राफ मिलेगा। और कभी कभी ऐसा भी पूछते हैं MCQ के अंदर कि जब ऐसा ग्राफ बनेगा तो कितने सॉल्यूशंस बनेंगे। देखो इसमें तीनों आपस में मैच हो रहे हैं तो इसमें क्या लिखेंगे हम, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इसमें पहले में ही गलत हो गया तो क्या बोलेंगे, यूनिक सॉल्यूशन। पहले में ही गलत हो गया मतलब यूनिक सॉल्यूशन। और थर्ड वाले में देखो आप किसी से मैच नहीं हो रहा है c1 c2 तो नो सॉल्यूशन। लास्ट में मैच नहीं हो रहा है इसलिए नो सॉल्यूशन। तो यहाँ पे आप देख सकते हो अभी हमारा जो ग्राफ आया उसमें a1 by a2 वो b1 b2 के बराबर नहीं है, तो ये ग्राफ कैसा बनेगा, ऐसे इंटरसेक्टिंग ग्राफ बनेगा। और ये पहले में ही गलत हो गया, देखो आप ये पहले में a1 a2 और b1 b2 पहले में ही गलत हो गया। पहले में गलत हो गया मतलब यूनिक सॉल्यूशन मतलब इसका एक ही आंसर आएगा, x की भी एक वैल्यू आएगी और y की भी एक ही आंसर आएगा। थर्ड क्वेश्चन ले रहा हूं मैं, सबसे पहले इसको हम चेंज करेंगे। आपको पहले चेंज कर देना है, कभी कभी कैसा होता है चेंज फॉर्मेट में होता है और आप डायरेक्ट c1 c2 निकाल देते हो तो गलत हो जाता है और उसमें आपकी प्लस माइनस की गलती हो जाती है। तो पहले आपको एक प्रॉपर फॉर्मेट में लेके आ जाना है, उसके बाद ही आप c1 c2 निकालो या a1 a2 निकालो। 10 को इधर लेके आ जाओगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में आ जाएगा, ये इज इक्वल टू 0 और यहाँ पे 4x माइनस 6y, ये 40 को इधर लेके आ जाओगे तो ये माइनस 40 हो गया इज इक्वल टू 0। अब आपका मेन अभी आपका क्या गोल रहेगा, आप a1 a2 सब निकाल दो। यहाँ पे हमने a1 a2 b1 b2
C1 और C2। अब A1 की वैल्यू कितनी है आपको यहाँ से मिल जाएगी, A1, ये B1, ये C1, ये A2, B2 और C2। A1 की वैल्यू हमारे पास 2, A2 की वैल्यू हमारे पास 4, B1 की वैल्यू है -3, आपको माइनस की साइन कंसिडर करनी है आगे, B2 की वैल्यू -6, C1 की वैल्यू -10, C2 की वैल्यू -40। अभी आप क्या करो, इनके रेशियोज निकाल दो, A1 बाई A2, B1 बाई B2 और C1 बाई C2। वैल्यू प्लेस कर लेते हैं, A1 बाई A2 किसके बराबर है, 2 बाई 4 है, ये -3 बाय -6 और -10 बाय -40। तो ये तो रिड्यूस होके हो जाएगा 1/2, ये भी रिड्यूस होके हो जाएगा 1/2, और ये रिड्यूस होके हो जाएगा 1/4। अब देखो, आप देख सकते हैं कि जो A1 A2 है वो B1 B2 से तो मैच कर रहा है, A1 A2 है वो B1 B2 से मैच कर रहा है, और जो B1 B2 है वो C1 C2 से मैच नहीं कर रहा है। ऐसी कोई कंडीशन थी जहाँ पे A1 बाई A2 B1 बाई B2 तो मैच कर रहे हैं, इज इक्वल टू है, बट C1 C2 मैच नहीं हो रहा। मैंने क्या बताया था, लास्ट हो गया, लास्ट में जाकर गलत हो गया, मतलब नो सॉल्यूशन। और नो सॉल्यूशन इसमें क्या हो जाएगा, नो सॉल्यूशन, और नो सॉल्यूशन है मतलब लाइन एक दूसरे को टच नहीं करेगी, टच नहीं करेगी मतलब पैरेलल चलेगी। तो इसमें ग्राफ कैसा आएगा आपका, पैरेलल ग्राफ आएगा, पैरेलल ग्राफ। ओके, अभी हम 5 मिनट डिस्कस कर लेते हैं, किसी को कोई परेशानी है, प्रॉब्लम नहीं समझ में आया हो, A1, A2, B1, B2 की वैल्यू, फॉर्मूलाज, ग्राफ कैसे बनेगा, किसी को कोई प्रॉब्लम है, एक बार यस और नो जल्दी से। नो सर। ओके, समझ में आ रहा है सबको, यस और नो जल्दी से। क्योंकि इसमें क्या है कि देखो फिजिकल क्लास है हमारा, मैं आपको देख नहीं पा रहा हूँ, मेरा वीडियो भी ऑफ है और आपका वीडियो भी ऑफ है, तो मतलब ऐसा ना हो कि सिर्फ वन साइड कम्युनिकेशन चलता रहे, ठीक है। आपको नहीं समझ में आता तो मुझे ऑन द स्पॉट उधर ही बोल देना है, ताकि मैं उस स्टेप पे मैं फिर से एक बार एक्सप्लेनेशन दे दूँ। अभी देखो क्वेश्चन है ना, एकदम से डायरेक्ट नहीं आएगा, आपको थोड़ा सा मतलब घुमाने की कोशिश करेंगे। तो अब मैं जो क्वेश्चन ले रहा ना, वो थोड़े से ट्विस्ट किए रहेंगे, और आपको उनको थोड़ा अच्छे फॉर्मेट में, मतलब जो आपका फॉर्मेट है A1 A2 B1 B2 उसमें लाना पड़ेगा, फिर आपको सॉल्व करना पड़ेगा। जैसे देखो अभी थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन लेते हैं हम, इजी है, आप एक क्वेश्चन देखोगे तो समझ में आ जाएगा। जैसे लिख लिया मैंने 4y - 2x - 10 = 0, और दूसरे में दिया हुआ है -2x + 4y = 20। क्वेश्चन इजी आता है, इसके ऊपर MCQ 100% बनता है, आपका जो MCQ वाला पोर्शन होता है सेक्शन A उसमें एक क्वेश्चन बन जाता है, और इजी है, आपको 1 मार्क आराम से मिल जाएगा। अब आपको पता है कि x वाला जो कंपोनेंट है वो आगे आना चाहिए और y वाला कंपोनेंट पीछे आना चाहिए, देखो इसमें तो बराबर है, x आगे आ रहा है, y आगे आ रहा है, उसके पीछे आ रहा है। अब यहाँ पे x है ना, आगे नहीं आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, उसको आगे लेके आ जाएंगे, एक प्रॉपर फॉर्मेट में उसको अरेंज करेंगे हम, -2x + 4y - 10 = 0, एक प्रॉपर फॉर्मेट में लेके आ जाएंगे। और देखो जो सेकंड इक्वेशन है उसमें तो कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है, -2x + 4y। अब देखो यहाँ पे 20 = के RHS में था, तो हम क्या करेंगे, वो LHS में लेके आ जाएंगे = 0। देखो
रखना, किसी किसी बुक में कैसा होता है कि एज इट इज हम सी वन सी टू निकाल लेते हैं, बट आप ये गुड प्रैक्टिस आप दिमाग में डाल दो कि सारा कुछ आप क्या करो लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाओ, यहाँ पे जीरो ही रखो ताकि प्लस माइनस की गलती ही ना हो। ठीक है, अब तो देखो आपके पास आराम से देखो ए वन ए टू बी वन बी टू सब मिल जाएगा। ए वन कितना आ जाएगा हमारे पास, अगर उसके आगे माइनस की साइन है तो माइनस की साइन कंसिडर करना है आपको, आप सिर्फ अगर नंबर अकेला लिख दोगे तो प्लस माइनस की वजह से भी ये पूरा गलत हो जाएगा। देखो यहाँ पे भी माइनस की साइन है, बी वन में फोर है, बी टू में भी फोर दिया हुआ है, सी वन में देखो माइनस की साइन है आगे तो माइनस की साइन हम लेके चलेंगे, और सी टू में देखो माइनस ट्वेंटी है तो इसको भी हम क्या करेंगे माइनस ट्वेंटी की साइन लेके चलेंगे। अभी जल्दी से हम ए वन ए टू को सबको डिवाइड कर लेते हैं और चेक कर लेते हैं कितना रेशो आ रहा है, बी वन बाई बी टू और सी वन बाई सी टू। ए वन बाई बी टू हमारा ये माइनस टू बाई टू माइनस टू, फोर बाई फोर यहाँ पे माइनस टेन बाय माइनस ट्वेंटी, यहाँ पे माइनस टू कट हो गया तो आंसर बचेगा वन, यहाँ पे भी क्या बचेगा वन, और यहाँ पे बचेगा माइनस माइनस कट हो गया टेन टू जा हो जाएगा तो ये वन बाई टू। वापस देखो ए वन ए टू बी वन बी टू से मैच कर रहा है बट बी वन सी वन सी टू से मैच नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे वही कंडीशन बनेगी जो अभी हमने डिस्कस किया था, जो ए वन ए टू है वो बी वन बी टू से मैच कर रहा है बट सी वन सी टू से मैच नहीं कर रहा है, लास्ट में गलत हो गया। अब लास्ट में गलत हो गया मतलब नो सॉल्यूशन, पैरेलल ग्राफ बनेगा, नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन पैरेलल ग्राफ बनेगा आपका। ठीक है, किसी को कोई परेशानी है एक बार यस और नो बोल दो जल्दी से। अब आपके ऊपर क्वेश्चन डाल रहा हूँ मैं आपको, no. अब हम जनरल डिस्कशन करेंगे। नो ओके ठीक है, वापस मैं मीटिंग ज्वाइन कर लेता हूँ। कक्ष बताएगा सबसे पहले, फर्स्ट में टू एक्स प्लस थ्री वाई प्लस टेन, समझाते चलो तुम्हें मतलब क्या करना है समझाते चलो। हमको माइनस टेन को उस साइड लाना है और सेकंड स्टेप के अंदर सेकंड इक्वेशन के अंदर हमको 2x को आगे लाना है और 3y को पीछे ले जाना है। गुड, टू एक्स को आगे लाना है तो 2x अकेला आएगा या माइनस की साइन भी साथ में आएगी? माइनस आएगा, माइनस टू। हाँ बस इस बात का ही ध्यान रखना था इसीलिए मैंने आपको क्वेश्चन दिया। इज इक्वल टू जीरो। चलो श्रद्धा अब जल्दी से a1 a2 बता दो। हाँ a1 a2 b1 b2 बता दो। सदा सुन पा रहे हो? यस सर। हाँ a1 a2 b1 b2 जल्दी से बता दो क्या क्या आएगा। a1 में 2 a2 में माइनस 2 माइनस 2 फिर b1 में 3 b2 में 3, सी वन में 10, 10 और यहाँ पे माइनस 20, माइनस 20, ओके। श्रद्धा सिवान, सिवान में आगे का स्टेट बताओ, आगे का आगे क्या करें बताओ। यस सर, क्या करना है अभी आगे?
ए वन बाय ए टू ए वन बी वन बाय बी टू फिर टू बाय माइनस टू टू बाय माइनस टू बी वन बाय बी टू राधिका इक्वल टू राधिका वन राधिका थ्री बाय थ्री विच इज इक्वल टू वन थ्री बाय थ्री फिर टेन बाय माइनस ट्वेंटी टेन बाय माइनस ट्वेंटी ओके चलो नेक्स्ट जिसका नाम बोलो बताएगा मुझे प्रियांशी हाँ सर हेलो हाँ हाँ वन माइनस वन या वन वन माइनस माइनस वन ओके फिर यहाँ पे भी वन वन माइनस टू माइनस टू या माइनस वन बाई टू माइनस वन बाई टू माइनस वन बाई टू अच्छा देखो यहाँ पे कुछ मैच कर रहा है क्या कौन किससे मैच हो रहा है देखो तो यहाँ पे क्या कंडीशन लग रही है एक मिनट प्रिंस प्रिंस बताएगा कौन सी कंडीशन लगेगी प्रिंस कौन इक्वल हो रहा है कौन नॉट इक्वल अनइक्वल हो रहा है प्रिंस खुशी खुशी हाँ क्या ये दोनों आपस में इक्वल हैं ए वन ए टू बी वन बी टू इक्वल हैं नो नो यस और नो नहीं है अच्छा नो ये इक्वल नहीं है क्या सी वन सी टू बी वन बी टू से इक्वल है नो नो ओके हमें तो सिर्फ क्या करना है पहले में ही देख लेना है देखो ये कोई कंडीशन मैच हो रही है ठीक है मैंने क्या बताया था पहले में ही गलत हो गया पहला मतलब यूनिक सॉल्यूशन पहले में ही गलत हो गया मतलब ये क्या है यूनिक सॉल्यूशन यूनिक सॉल्यूशन ठीक है और यूनिक है मतलब यूनिक मतलब वन आप ऐसे वन मान के चलो यूनिक है मतलब ऐसे वन मान के चलो क्यों इससे आपको हेल्प मिलेगी जब भी यूनिक सॉल्यूशन होगा तो आपका ग्राफ वन पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट करेगा वन पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट करेगा देखो ये वन पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट कर रहा है इसको हम क्या बोलेंगे वन सॉल्यूशन या यूनिक सॉल्यूशन ग्राफ या इंटरसेक्टिंग ग्राफ तो अगर आप ग्राफ बुक में इसका आप ग्राफ ड्रॉ करोगे तो आपको इस तरीके से ग्राफ ड्रॉ ग्राफ देखने को मिलेगा क्लियर हुआ कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें परेशानी नहीं होगी ना किसी को यस और नो जल्दी से एक बार बता दो फटाफट ओके ठीक है तो फिर इसको हम यहीं पे खत्म करते हैं अभी आपके 10 मिनट के बाद वापस एक लिंक भेजूंगा उस पे आप कनेक्ट हो जाना ठीक है और ये वीडियो आपको 15-20 मिनट के बाद फिर से यूट्यूब पे मिल जाएगा ओके थैंक यू 10 मिनट के बाद फिर से कनेक्ट हो जाना